हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का पास्ता खाने का बहुत मन होता होगा लेकिन लगता है कि बहुत अनहेल्दी है। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी पास्ते से भी अच्छी चीज़ जो कि बनेगी गेहूं के आटे से। इसके लिए आपको क्या करना है, आटा लेना है, उसका डो लगा लेना है जैसे कि नॉर्मल रोटी के लिए लगाते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट और ऑयल डाल करके। बिल्कुल नॉर्मल आटा लगाना है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ताकि ये चिपके नहीं, और जब इसको हम लोग बॉईल करें तो अलग अलग अच्छे से बॉईल हो जाए। ये देखिए अब अच्छे से ये डो लगा लिया है। अब आटा लेंगे थोड़ा सा, जैसे रोटियाँ बनाते हैं बड़ी बड़ी, जैसे बड़ी बड़ी रोटियाँ बना देंगे। इसकी थोड़ा पतला बेलना है क्योंकि बॉईल करने के बाद ये फूल जाएगा, तो ज़्यादा मोटा रखेंगे तो थोड़ा कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसको पतला ही बेलना है। छोटे छोटे लोई बना करके इसको पतला बेल लेंगे आटा लगा करके। इस तरीके से इसको बड़ी सी एक रोटी बनानी है, बिल्कुल पतला बेला है इसको। आप इसको किसी भी शेप पे काट सकते हैं, मैंने इसको लंबा लंबा शेप दिया है क्योंकि बहुत जल्दी कट जाता है ये, इसलिए आप कुछ चाकू के हद से या फिर पिज्ज़ा कटर की हद से आराम से काट सकते हैं। इसके एजेस मैंने निकाल दिए हैं ताकि एकदम प्रॉपर शेप आए। आप आटा डाल सकते हैं अगर ये बीच में चिपकने लगे तो, ऐसे करके पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेनी है पूरे ही जो मैंने रोटी बनाई है उसकी। बाद में आटा स्प्रिंकल कर देंगे काटने के बाद, ताकि जब इसको हम लोग अलग रखें तो ये आपस में चिपके नहीं। ये देखिए ऐसे अलग अलग कर लेना है, जो भी थोड़े बहुत चिपक गए हैं उसमें आटा डाल के इसको सही से रख देना है। आप इसको मैदे से भी बना सकते हैं, पर मैदा एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है, सो आई चूज होल व्हीट फ्लावर। इसको जो आटा छानने वाली छन्नी होती है ना उस पर रखेंगे, इससे जितना भी एक्सेस आटा है वो झाड़ने पे निकल जाएगा। आप चाहे तो लोहे की वाली 20 चूड़े में रख सकते हैं, उससे भी निकल जाएगा। अब पानी लेंगे, उसमें डालेंगे नमक। ऐसे करके पास्ता का जितना भी एक्सेस आटा है ऐसे हिलाना है, सारा का सारा आटा झड़ जाएगा। अब ये सारे के सारे जो हम लोगों ने आटे की स्ट्रिप काटी हैं इसको बॉयल होते हुए पानी में डाल देंगे, जिससे कि अच्छे से बॉयल हो जाए। ज़्यादा देर बॉयल नहीं करना है, 5 से 7-8 मिनट के अंदर ही आराम से कुक हो जाएगा। ये देखिए अब अच्छे से कुक हो चुका है, इसको हम लोगों ने स्ट्रेन कर लिया है, ऊपर से थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया है जिससे कि चिपके नहीं। अब एक पैन में ऑयल लेंगे, उसको हीट होने देंगे। फिर मैंने लिया है गार्लिक और ग्रीन चिलीज। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे, पर अगर आपको सिंपल बनाना है, जल्दी बनाना है, तो केवल इतना ऐड करके आपका काम चल जाएगा और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। मैंने थोड़ी हल्दी भी डाली है ताकि बहुत ही अच्छा कलर आए, आप चाहे तो मत डालिएगा। अब जो बॉयल किया हुआ हमारे जो आटे के स्ट्रिप्स थे उसको इसमें डाल देंगे और अच्छे से स्टर कर लेंगे। अभी अच्छे से सॉटे हो रहा है धीरे धीरे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे वरना ये चिपक सकता है, इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम में इसको अच्छे से कुक करना है। अब मैंने टेस्ट के लिए थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया है, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। हल्दी और सोया सॉस का कॉम्बिनेशन से बहुत ही सही कलर आता है, आप इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा। अभी एकदम परफेक्ट कलर आ गया है। आप चाहें तो सोया सॉस अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा ज़्यादा हेल्दी खाना पसंद है तो, अदरवाइज़
एक आप एक टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिर मैंने एक टेबल स्पून के अप्रॉक्स विनेगर यूज़ किया है जिससे खट्टा फ्लेवर आएगा। आप इसकी जगह पर टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप डालेंगे इसमें एक चम्मच सॉल्ट, अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप सॉल्ट डाल सकते हैं। इसको अच्छे स्टेयर करते रहेंगे 3 से लेकर 4 मिनट तक, जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से कुक हो जाए। अब हमारा ये हेल्दी होममेड पास्ता बनके तैयार है, आप इसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा फॉर मोर दीज हेल्दी रेसिपीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो।